विद्युत धारा कहते हैं, पहला ऑप्शन आवेश प्रवाह की दर को, दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, तीसरा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन को, चौथा इलेक्ट्रॉनों की गति करने को। इनमें से कौन सा सही है? पहला ए आवेश प्रवाह की दर को, दूसरा बी मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को, तीसरा सी इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन को, या चौथा ए एंड बी दोनों। तो आंसर क्या होगा? ए एंड बी। ओके, निम्नलिखित में से सही है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, टी बराबर एन ई, एन बराबर क्यू ई, या क्यू इज इक्वल टू आई अपॉन टी। तो आंसर सही है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, ये वाला सही है क्योंकि क्यू बराबर फ्रॉम आई टी से। ठीक, तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी एम्पियर। ये कोई चालक है, इससे वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है, इस चालक से आई एम्पियर की धारा, आई इज इक्वल टू वन एम्पियर। यदि चालक से वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया जाता है तो उससे प्रवाहित धारा कितनी है? आई इज इक्वल टू वन एम्पियर। कितने समय में प्रवाहित हो रही है एक एम्पियर? टी बराबर वन सेकंड में, यानी कि एक सेकंड में चालक से एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो उससे प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक, कितनी होगी? 6.24 × 10²⁸। कैसे निकालिए? फ्रॉम क्यू बराबर एन ई से। कितने कूलम दे रहा है? एक कूलम आवेश। यदि किसी चालक से एक एम्पियर धारा प्रवाहित होगी तो उससे प्रवाहित आवेश भी कितना होगा? एक कूलम। तो वन एन इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एन इज इक्वल टू वन अपॉन 1.6 × 10⁻¹ इज इक्वल टू आता है, एन इज इक्वल टू 6.24 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। ओके, किसी चालक से क्यू कूलम आवेश प्रवाहित होने पर, चौथा सवाल है, किसी चालक से क्यू कूलम आवेश प्रवाहित होने पर उससे प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होंगे। Q बराबर एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू ई, ई इज इक्वल टू एन अपॉन क्यू, और क्यू इज इक्वल टू एन अपॉन ई। तो इसी से देख लो, Q बराबर एन ई से कौन सही होगा? Q बराबर एन ई। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम मीटर या फेरड, तो कौन सा होगा? एम्पियर। विद्युत धारा की खोज की थी किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एडिसन ने, रदरफोर्ड ने, माइकल फैराडे ने। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक एम्पियर वायर होता है किसके? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम के, वी 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम के, सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के, डी 6.24 × 10⁻³¹ इलेक्ट्रॉन के। तो कौन सी है? 6.24 × 10⁻³¹ इलेक्ट्रॉन के। प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश हैं केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक, डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा आएगा? धनात्मक और ऋणात्मक, प्रकृति दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। आवेश का मात्रक है ओम, एम्पियर, वोल्ट या कूलम, तो कौन सा है? कूलम। आवेश धारा तथा समय में संबंध है क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई, टी बराबर आई अपॉन क्यू, डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा आएगा? Q बराबर आई टी। ये स्टोन पर आवेश है, ए 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, वी −k 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, सी 0, डी इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? −k 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ओके, दूसरा, विद्युत भाग बल प्रदान करता है प्रोटोनों को गति, इलेक्ट्रॉन को गति, फोटोन को गति, इनमें से कोई नहीं। तो सही कौन सा है? इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है विद्युत भाग बल।
विद्युत भागल किसे गति प्रदान करता है? इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 है तुम्हारा, विद्युत भागबल है आवेश, ए आवेश, बी ऊर्जा, सी कण, डी नाभिकीय बल। तो क्या है विद्युत भागबल? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 14, कार्य आवेश तथा विद्युत भागबल में संबंध क्या है? ए डब्ल्यू बराबर ई इंटू क्यू, वी क्यू बराबर आई टी, सी डब्ल्यू बराबर एफ ओवन क्यू, डी नन ऑफ दिस। क्या आएगा? डब्ल्यू बराबर ई इंटू क्यू। किससे लिया गया ये? फ्रॉम डब्ल्यू बराबर ई इज इक्वल टू डब्ल्यू ओपन क्यू से। ओके, तो ए डब्ल्यू बराबर ई इंटू क्यू, वी क्यू बराबर आई टी, सी डब्ल्यू बराबर एफ ओपन क्यू और डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा आएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटू क्यू। यदि किसी चालक से प्रभावित आवेश एक कूलाम हो तो विद्युत भागबल होगा। ऊर्जा के बराबर, विभांतर के बराबर, आवेश के बराबर या इनमें से कोई नहीं, तो किसके बराबर होगा? ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू वायरिंग में सभी कोण जुड़े होते हैं, किसमें? सीरीज में, पैरेलल में, कैस्केड में, ओवरहेड में। तो किसमें जुड़ते हैं? समांतर क्रम में, उसमें पैरेलल में। किसमें? समांतर क्रम, पैरेलल में। इसे क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, 5 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। 1 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 25 ओम। तो जोड़ो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो R इज इक्वल टू, सबके मान समान है तो 5 5 रख दो, 25 ओम। तो आंसर कितना आएगा? 25 ओम, डी। क्वेश्चन नंबर 18, 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, कितना होगा? समांतर क्रम का फॉर्मूला, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक, तो 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। कितना आएगा आंसर? 1 ओम। तो कौन सा आंसर है? 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 19, किरचॉफ का धारा नियम लागू होता है किस पर? बंद लूप पर, संधि पर, मेश पर, खुला परिपथ पर। तो किस पर होता है? संधि पर। संधि को इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन, जहाँ सभी धाराएं आकर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक श्रेणी में RC परिपथ जिसमें 1 किलो ओम प्रतिरोध तथा 2 माइक्रोफेराड का संधारित्र लगा है, कितने किलो ओम का प्रतिरोध, 1 किलो ओम का प्रतिरोध और 2 माइक्रोफेराड का संधारित्र लगा है, का समय नियतांक ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूले से निकाल लो, टी इज इक्वल टू RC, आर का मान है 1 × 10³, और कैपेसिटर का मान है संधारित्र का 2 × 10⁻⁶। तो क्या आएगा? 2 × 10⁻³। तो कितना आएगा? टी इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? ए 2 सेकेंड, बी 2 मिली सेकेंड, सी 2 माइक्रो सेकेंड, डी नन ऑफ दिस। तो क्या आएगा? वी 2 मिली सेकेंड। यदि आप चाहते हो कि मैं और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूं और आपके लिए गैस पेपर बना के डालूं, ठीक, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में एक से अधिक मोबाइल ना हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा आपके लिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।